आज हम बात करते हैं पीएन संधि डायोड की धारिता प्रभाव या कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। मैं डॉक्टर वंदना रंगा आपसे इस टॉपिक पे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। हमने देखा कि डायोड के संधि स्थल पर एक अवक्षय परत या डिप्लीशन लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसके दोनों ओर विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश अधिसंख्य रूप में उपस्थित होते हैं तथा अवक्षय परत इन दोनों प्रभागों को पृथक करती है। यह पीएन संधि डायोड एक साधारण संधारित्र के समान माना जा सकता है, जिसमें मुक्त आवेश युक्त पी तथा एन प्रभाग संधारित्र की प्लेटों के समान तथा अवक्षय परत की पैरावैद्युत माध्यम के समान माना जा सकता है। इस प्रकार विद्युत परिपथ में डायोड एक संधारित्र की तरह कार्य करता है, जिसकी धारिता संधि धारिता जंक्शन कैपेसिटेंस कहलाती है। संधि धारिता का मान अवक्षय परत की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अवक्षय परत की मोटाई आरोपित बायस वोल्टता पर निर्भर करती है। अग्रदिशिक वोल्टता लगाने पर अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है तथा पश्च दिशिक वोल्टता लगाने पर यह मोटाई बढ़ जाती है। इस प्रकार संधि धारिता आरोपित वोल्टता का फलन होता है, इस बात पर निर्भर भी होता है कि संधि के निकट आवेश वितरण किस प्रकार से है, जो कि संधि रचना की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। अब हम बात करते हैं लीनियर ग्रिड जंक्शन या फिर रैखिकता प्रवणित संधि, वो क्या होती है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। यहाँ हम एक ऐसी संधि का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें संधि के आसपास अशुद्धि अपमिश्रण रेखीय है। इस प्रकार की संधि के लिए अपद्रव्य घनत्व विभव के आवेश के घनत्व का अवक्षय परत में दूरी के साथ परिवर्तन हमने इस चित्र में दर्शाया है। आवेश घनत्व का परिवर्तन रैखिक माना गया है, अर्थात आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू ई एक्स या ए इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में एन ए प्लस एन डी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई डी तथा डी अवक्षय परत की मोटाई है। यहाँ की कल्पना की जाती है कि दाता व ग्राही अशुद्धियाँ पूर्णतः सक्रियतः या फिर एक्टिव है। अवक्षय परत में बिंदु x पर एक विमीय वासो समीकरण या फिर यह पॉइजन इक्वेशन से परत क्षेत्रफल अधिक होने के क्षेत्र परिवर्तन केवल x दिशा में ही माना जा सकता है। तो डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन, ये हमने यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन को लिखा है। यहाँ वी एक्स उस बिंदु पर विभव है तथा एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता या एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। अवक्षय परत के बाहर P व N पदार्थों में चालकता यथेष्ट होने से इन प्रभागों में विभव परिवर्तन नगण्य माना जाता है। अब समीकरण से डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए एक्स बाई एप्सिलॉन, जिसका समाकलन करने पर डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन प्लस ए वन, या ए वन कोई नियतांक है परंतु एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई टू पर डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ए वन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई एट एप्सिलॉन इंटू डी स्क्वायर, तो डी वी एक्स बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन प्लस ए डी स्क्वायर डिवाइड बाई एट एप्सिलॉन। फिर अगर हम इसको समाकल करते हैं तो वी एक्स का जो मान है वो ए क्यूब डिवाइड बाई सिक्स एप्सिलॉन प्लस ए डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एट एप्सिलॉन प्लस ए टू, या ए टू इज इक्वल टू कोई अन्य नियतांक को हम इसको मान लेते हैं। क्योंकि संधि पर कुल विभव अंतर V माइनस वी बी है, यहाँ V बाह्य आरोपित विभव अंतर है, अतः V माइनस वी बी इज इक्वल टू वी डी बाई टू माइनस वी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू इन ब्रैकेट माइनस ए डिवाइड बाई सिक्स एप्सिलॉन ब्रैकेट में डी बाई टू होल क्यूब प्लस ए डिवाइड बाई एट एप्सिलॉन डी स्क्वायर डी बाई टू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट में माइनस ए बाई सिक्स एप्सिलॉन ब्रैकेट में माइनस डी बाई टू होल क्यूब प्लस ए बाई एट एप्सिलॉन डी स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस डी बाई टू ब्रैकेट क्लोज प्लस ए टू। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए डी क्यूब डिवाइड बाई 48 एप्सिलॉन प्लस ए डी क्यूब बाई 16 एप्सिलॉन माइनस ए डी क्यूब बाई 48 एप्सिलॉन प्लस ए डी क्यूब बाई 16 एप्सिलॉन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी क्यूब बाई 12 एप्सिलॉन। इस प्रकार अवक्षय परत की मोटाई का विभव अंतर पर निर्भर होगा। डी इज इक्वल टू 12 एप्सिलॉन बाई ए ब्रैकेट में वी माइनस वी बी ब्रैकेट क्लोज टू द पावर ऑफ 1 बाई 3। संधि के एक ओर x इज इक्वल टू डी बाई टू पर अधिकतम आवेश घनत्व रो मैक्स इज इक्वल टू ए डी बाई टू, जिससे कि इस ओर कुल आवेश q का मान रो m ऊंचाई तथा डी बाई टू आधार वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा। कार्य क्षेत्र एकांक अगर हम इसको मानते हैं तो q की जो वैल्यू हो जाएगी वो हाफ डी बाई टू
ब्रैकेट में ए डी बाई टू इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर बाई एट, ये हो जाएगा ए बाई एट ब्रैकेट में 12 एप्सिलॉन बाई ए वी माइनस वी बी ब्रैकेट क्लोज और इक्वल ब्रैकेट टू द पावर ऑफ 2 बाई थ्री, ये हो जाएगा ए टू द पावर 1 बाई थ्री डिवाइड बाई एट 12 एप्सिलॉन वी माइनस वी बी ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2 बाई थ्री। इस प्रकार संधि के दूसरी ओर इसी परिणाम परिमाण का परंतु विपरीत आवेश होगा। संधि की धारिता नियत नहीं है वरन विभव का फलन है, अतः संधि के लिए वार्धिक धारिता या इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस ज्ञात करनी होगी जो प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है, अर्थात C इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल वी इज इक्वल टू डेल क्यू डेल बाई वी माइनस वी एन वी माइनस वी बी ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 1 बाई थ्री एप्सिलॉन टू द पावर 2 बाई थ्री ब्रैकेट में नीचे डिनोमिनेटर 12 वी माइनस वी बी ब्रैकेट क्लोज अगेन ब्रैकेट टू द पावर ऑफ 1 बाई थ्री। डी का मान रखने पर प्रति एकांक काट क्षेत्र अवक्ष परत या संधि का धारिता जो हो जाएगी सी इज इक्वल टू ए टू द पावर 1 बाई थ्री एप्सिलॉन टू द पावर 2 बाई थ्री ए टू द पावर 1 बाई थ्री डी ए टू द पावर 1 बाई थ्री, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाई डी। यदि संधि का काट क्षेत्र ए हो तो कुल धारिता सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी फेराड। सामान्य अल्प वोल्टताओं के लिए सी का मान 10 टू पावर 10 से लेके 50 पिको फेराड यानी कि 10 टू पावर ऑफ माइनस 12 फेराड के कोटि का होता है और ये हमने इसका अवक्ष परत की वैल्यू या कैपेसिटेंस की वैल्यू जो अवक्ष परत है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने निकाली है। अब हम बात करते हैं सहसा परिवर्तन युक्त संधि या एब्रप्ट जंक्शन क्या होता है उसके बारे में। जो एब्रप्ट जंक्शन है उसको हम एक ऐसी संधि का अध्ययन होता है जिसमें संधि की एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की में अशुद्धि का अपमिश्रण में सहसा परिवर्तन या एब्रप्ट चेंज होता है। यदि एन जर्मेनियम के आधार में वेफर पर इंडियम हो जो पी पदार्थ की रचना करने वाली अशुद्धि है उसका मिश्रण किया जाए तो इंडियम जर्मेनियम का प्रभाग में विंसरित होकर उस भाग को पी अर्चालक बना देगा। इस भाग की मोटाई अत्यल्प होती है, विसरण प्रभाग का एन भाग में दाता घनत्व नियत बना रहता है और एक अत्यल्प दूरी में अशुद्धि पी प्रकार की अत्यल्प बना देती है। इस प्रकार पी प्रभाग में ग्राही अशुद्धि घनत्व एन ए एन प्रभाग में दाता घनत्व में बहुत अधिक होता है, अर्थात एन ए एनडी सहसा परिवर्तन युक्त संधि के लिए अशुद्धि वितरण आवेश में विभव परिवर्तन चित्र हमने इस प्रकार से दर्शाया है। ऐसी संधि के लिए अवक्ष परत लगभग पूर्णतः एन प्रभाग के लिए अर्थात एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू डी तक स्थित होता है जिसमें आवेश घनत्व रो नियत होता है, अतः रो इज इक्वल टू ई एन डी। पॉइजन इक्वेशन से डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन, इसको दो बार अगर समाकल करते हैं सीमान प्रतिबंध लगाते हैं एट एक्स इज इक्वल टू डी पर डी वी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो लागू करते हैं तो वी एक्स का जो मान है ये हो जाएगा रो एक्स स्क्वायर विद अ माइनस साइन डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन प्लस रो एक्स डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन प्लस सी टू। कुल विभवांतर का परिमाण वी बी माइनस वी विद अ माइनस साइन इज इक्वल टू वी डी माइनस वी जीरो, तो ये हो जाएगा v माइनस वी बी इज इक्वल टू रो डी स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन। इसमें अवक्ष परत की जो मोटाई होगी d इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 एप्सिलॉन फिर ब्रैकेट में v माइनस वी बी ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई रो ब्रैकेट क्लोज टू द पावर ऑफ हाफ, तथा एकांक कार्य क्षेत्र की संधि के एक और कुल आवेश q इज इक्वल टू रो d इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 एप्सिलॉन रो v माइनस वी बी ब्रैकेट क्लोज टू द पावर ऑफ हाफ, ये पूरा इसका q का वैल्यू है। अतः वार्धिक धारिता C इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल वी इज इक्वल टू डेल क्यू डेल वी माइनस वी बी, ये इसकी अगर वैल्यूज हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन रो डिवाइड बाई टू ब्रैकेट में वी माइनस वी बी ये पूरा ब्रैकेट में है टू द पावर ऑफ हाफ, ये होगा एप्सिलॉन बाई डी फेराड पर मीटर स्क्वायर। कांच क्षेत्र ए की संधि के लिए C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी फेराड। पीएन संधि की धारिता का आरोपित विभवांतर पर निर्भरता का उपयोग वोल्टता नियंत्रण धारिता के रूप में किया जाता है। परिवर्तनशील प्रतिघात की युक्ति होने पर इसे वेरेक्टर कहा जाता है। ऐसी युक्ति सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रॉनिकी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत उपयोगी होती है। अगली क्लास में हम हॉल प्रभाव क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सब बच्चों को थैंक्स।